सीरीज ऑफ मैट्रिक स्पेस के फोर्थ वीडियो में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए गिवन सेट, फिर बताऊंगा डिस्टेंस बिटवीन टू सबसेट्स ऑफ ए मैट्रिक स्पेस, आगे बताऊंगा डायमीटर ऑफ ए सबसेट ऑफ ए मैट्रिक स्पेस और फिर बाउंडेड एंड अनबाउंडेड मैट्रिक स्पेसेस। मैं इस वीडियो में ये चार टॉपिक को कवर करूंगा। इस वीडियो के पहले मैं मैट्रिक स्पेस पर 3 वीडियोज अपलोड कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा या ऊपर आ रहे आई बटन को भी प्रेस करके मैट्रिक स्पेस के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एमए क्लासेज, मैं हूँ सुनील कुमार। इस चैनल पर मैं मैथमेटिक्स का ही वीडियो लेकर के आता हूँ। आप यदि मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं या उसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचते रहे। वीडियो यदि पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हम लोग सबसे पहले देखेंगे डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए गिवन सेट। अब मैट्रिक स्पेस में किसी भी पॉइंट का एक सेट से क्या डिस्टेंस होता है, कैसे डिस्टेंस डिफाइन किया गया है, तो यहाँ पर सुप्रीमम और इन्फिमम की जरूरत पड़ेगा। थोड़ा सा डिस्कस हम पहले उसके बारे में करते हैं। जैसे सपोज करो कोई एक सेट है ए जिसमें से एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5 सपोज कर लो। तो एक होता है लोअर बाउंड। लोअर बाउंड क्या किसको कहते हैं, एक नंबर मिलना चाहिए के, ताकि एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई। सेट ए का प्रत्येक मेंबर अगर इस नंबर से बड़ा है या फिर उसके इक्वल है तो के को कहते हैं हम लोग लोअर बाउंड कहते हैं, इस सेट का लोअर बाउंड कहते हैं, लोअर बाउंड ऑफ सेट ए। तो कौन सा नंबर ऐसा है जिससे इसका सारा नंबर या तो इक्वल है या उससे बड़ा है, 1 से तुम देखोगे कि इसका जितना भी नंबर है वो सभी 1 से या तो बड़ा है या फिर उसके इक्वल है, तो 1 एक लोअर बाउंड हो गया। अब क्या और भी कोई दूसरा लोअर बाउंड हो सकता है क्या, एक तो लोअर बाउंड 1 हो गया। अब तुम 0 देखो, 0 भी एक ऐसा नंबर है जिससे इसका सारा नंबर ग्रेटर देन है, या तो ग्रेटर देन होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, इक्वल। तो 0 भी इसका लोअर बाउंड हो जाएगा क्योंकि सभी नंबर एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। सेट ए का जितना भी मेंबर है सभी 0 से बड़ा है, तो 0 भी लोअर बाउंड हो जाएगा। इसी तरीके से -1 भी हो जाएगा, -2 भी हो जाएगा। तो 1 से स्मॉलर जितना भी नंबर है वो सभी लोअर बाउंड हो गया। अगर नंबर लाइन पर बात करें तो नंबर लाइन पर 1, 2, 3, 4, 5 ये है तुम्हारा सेट ए का मेंबर। 1 जो है वो लोअर बाउंड हो गया, और 1 से स्मॉलर जितना भी नंबर है, मान लो 1 से स्मॉलर 0 ले लेते हैं तो 0 से भी तो सारा नंबर इसका बड़ा है, तो 0 भी लोअर बाउंड हो जाएगा, या इधर जितना भी नंबर है सब लोअर बाउंड हो जाएगा। तो इस लोअर बाउंड में से जो मैक्सिमम होता है, जो ग्रेटेस्ट होता है, उसको हम लोग ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहते हैं। तो अब देखो लोअर बाउंड कई है, उसमें से मैक्सिमम कौन सा है, 1, तो इसको हम लोग कहेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। और दूसरे इसका एक और चीज़ है, इन्फिमम भी कहते हैं इसको, इन्फिमम भी कहते हैं या फिर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो सेट ए का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या मिल रहा है, 1, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 1 मिल रहा है। मतलब एक तरीके से ये कह सकते हो कि सेट का जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, सबसे छोटा वैल्यू जो है, वही इसका क्या हो गया, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, या फिर इससे जस्ट छोटा जो नंबर आएगा वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो सकता है। जैसे अगर हम लोग इंटरवल की बात करेंगे, अभी एक इंटरवल से भी समझाएंगे, तो पहले यहाँ पर देखो, मान लो ये सेट है, एक सेट है ए, मान लो 0 to 5, ये 0 क्या इसमें इंक्लूड है क्या, 0 इसमें इंक्लूड नहीं है, लेकिन इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगा, 0 होगा। 0 इसमें इंक्लूड नहीं है, इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 1 है, तो 1 इसमें इंक्लूड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें से जो एक ऐसा नंबर लेना है ताकि इसका सारा नंबर जो है वो इससे बड़ा होगा, और ये मैक्सिमम लोअर बाउंड में से ये मैक्सिमम होगा, तो इसको हम लोग कहेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इसी तरीके से अपर बाउंड होता है, अपर बाउंड क्या होता है, अपर बाउंड में एक ऐसा नंबर ढूंढना है, मान लो कैपिटल एम, ताकि सारा नंबर उससे छोटा हो, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। सेट ए का प्रत्येक नंबर अगर एम से छोटा हो तो उसको हम लोग कहेंगे अपर बाउंड। जैसे यहाँ पर अपर बाउंड क्या हो जाएगा, 5,
इस सेट का सारा नंबर जो है वो 5 से छोटा है, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, तो इसको हम लोग 5 को कहेंगे अपर बाउंड। इसके अलावा 6 से भी सभी नंबर छोटा है, 6 एक्स लेस देन 6 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, तो 6 भी अपर बाउंड हो जाएगा। तो अपर बाउंड कोई भी हो सकता है, अपर बाउंड में से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 5 भी 6 भी 7 भी, यानी 5 और उससे बड़ा नंबर जितना भी है सब अपर बाउंड हो जाएगा। तो इस अपर बाउंड में से लिस्ट कौन सा है, 5 है, तो इसको हम लोग कहेंगे लिस्ट अपर बाउंड, जिसको सुप्रीमम भी कहते हैं, तो लिस्ट अपर बाउंड या फिर सुप्रीमम कहते हैं, जरा ध्यान देना। तो इस सेट में एक ऐसा नंबर है 5 जिससे सारा नंबर छोटा है या इक्वल है, तो इस 5 को हम लोग कहेंगे लिस्ट अपर बाउंड, यानी लिस्ट अपर बाउंड इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है, जो सबसे बड़ा वैल्यू इसमें है इस सेट में उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, लिस्ट अपर बाउंड, और जो सबसे छोटा वैल्यू है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। लेकिन वो जरूरी नहीं होता है कि लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इसी के अंदर हो, जैसे अगर इससे इस इंटरवल की बात करते हैं, हम लोग यहाँ पर ले रहे थे ना ये एक सेट जिसमें हम लोग इंटरवल ले रहे थे ओपन इंटरवल 0 to 5, तो इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो है वो 0 है, 0 इसमें इंक्लूड नहीं है, और लिस्ट अपर बाउंड क्या है, लिस्ट अपर बाउंड यहाँ पर 5 है, 5 जो है वो लिस्ट अपर बाउंड है, और 0 है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, मतलब इन्फिमम 0 हो गया और सुप्रीमम जो है वो 5 हो गया। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पर जो हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए गिवन सेट, ये क्या है जरा इसके बारे में समझोगे। देखो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि लेट एक्स कॉमा डी बी ए मैट्रिक स्पेस, हम लोग एक मैट्रिक स्पेस ले रहे हैं एक्स और डी, डी यहाँ पर मैट्रिक हो जाएगा जो डिफाइंड है सेट एक्स में, नॉन एम्प्टी सेट एक्स में। लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स, अब जब एक्स जो एक सेट है उसका एक सबसेट हम लोग बना रहे हैं ए, द डिस्टेंस बिटवीन ये पॉइंट पी बिलोंग्स टू एक्स, जरा समझोगे यहाँ पर इस फिगर से ध्यान देना। अभी हम जिस चीज से समझा रहे हैं यहाँ पर, एक्स मान लो एक मैट्रिक स्पेस है, एक्स होता क्या है, एक्स तो कोई सेट होता है, जैसे इसकी बात करें कि डी ऑफ एक्स वाई जो डिफाइंड कर रहे थे हम लोग, मॉड एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ये भी एक मैट्रिक था ना, ये एक मैट्रिक था, और कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हम लोग डिफाइंड किए थे कि डी ऑफ जेड वन कॉमा जेड टू इक्वल टू मॉड जेड वन माइनस जेड टू फॉर ऑल जेड वन जेड टू बिलोंग्स टू आर, ये भी एक मैट्रिक था, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी ये सी होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में डिफाइंड किए थे। यह ध्यान देना ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। जब हम मैट्रिक इसको प्रूव किए थे तो उस समय बताए थे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों जेड वन और जेड टू जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके बीच का ये डिस्टेंस को बताता है। तो सपोज करो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को तो हम लोग एक्स वाई प्लेन पर ही रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी पॉइंट अगर ले लेते हैं एक्स वाई प्लेन का, तो उस पॉइंट जो है वो किसी ना किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अगर इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, एक्स प्लस आई वाई। तो यहाँ पर जेड वन और जेड टू दो पॉइंट हम लोग लेते हैं, सपोज करो एक्स वन आई वन पर एक जेड वन कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक जेड टू को, तो ये जो डिस्टेंस आएगा उसको हम लोग मॉड जेड वन माइनस जेड टू कहते हैं। तो जरा ध्यान देना एक्स जो है ये मैट्रिक स्पेस है, तो मैट्रिक स्पेस है इसका मतलब ये सेट है, किसका सेट है, यहाँ पर कोई भी नंबर का सेट हो सकता है जैसे, या कोई भी चीज़ का सेट हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर सेट मान ले कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है और इसी का एक सबसेट लेना है ई, ए जो है वो इसी का एक सबसेट लेना है, ये हो गया एक मैट्रिक स्पेस। मैट्रिक स्पेस तो एक सेट होता है और उसी का एक हम लोग क्या ले रहे हैं, सबसेट ले रहे हैं ई, और इसमें कहीं पर एक पॉइंट है पी, इस एक्स का कोई भी एक पॉइंट हम लोग सपोज कर रहे हैं पी। जरा ध्यान देना कि लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स, एक्स का ये नॉन एम्प्टी सबसेट है, द डिस्टेंस बिटवीन ये पॉइंट पी बिलोंग्स टू एक्स, अब पी जो है वो एक्स का एक मेंबर है, एंड ए इज डिनोट
अब ये इसका जो पॉइंट का डिस्टेंस होगा इस सेट से, उसको डिनोट ऐसे करते हैं। ध्यान देना, हमको हम लोग को करना क्या है, इसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, इस सेट से डिस्टेंस निकालना है, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे डी पी ए से। अब ये डिस्टेंस होता क्या है, जरा ध्यान देना, ये जो सबसेट है एक्स का, इसमें कई पॉइंट होगा, कई पॉइंट होगा, सभी पॉइंट से हम लोग इसका डिस्टेंस फंक्शन निकालेंगे। मान लो यहाँ पर कोई भी पॉइंट है एक्स, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस निकालेंगे। दूसरा पॉइंट है मान लो वाई, तो वहाँ से उसका डिस्टेंस निकालेंगे। और डिस्टेंस फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, डी एक्स पी, सॉरी डी पी एक्स को डिस्टेंस निकालेंगे, तो डी पी एक्स, ये डी मैट्रिक है। अब एक चीज़ का यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, समझाने के लिए हमेशा हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस को ही दिखाएंगे, समझने के लिए यहाँ पर हमेशा डिस्टेंस को दिखाएंगे कि, लेकिन डी जो मैट्रिक है क्या वो हमेशा डिस्टेंस को ही रिप्रेजेंट करता है क्या? इसमें डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस एग्जांपल में भी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नंबर लाइन के दो पॉइंट का डिस्टेंस बता रहा है, ये एक्स वाई प्लेन के दो पॉइंट का डिस्टेंस को बता रहा है। लेकिन कोई भी मैट्रिक, सभी मैट्रिक जो है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है क्या? जैसे अगर हम लोग ये डिस्क्रीट मैट्रिक को डिफाइन करते हैं, डी एक्स कॉमा वाई इक्वल टू वन होता है जब एक्स नॉट इक्वल टू वाई, और जीरो होता है जब एक्स इक्वल टू वाई, जिसको डिस्क्रीट मैट्रिक कहते हैं, बता चुके हैं पहले। ये क्या ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बताता है क्या? अगर हम लोग डी टू सेवन ले लेते हैं तो इसका वैल्यू कितना आता है, वन आता है। अगर डी टू टू ले लेते हैं तब इसका वैल्यू क्या आता है, जीरो। तो क्या ये डिस्टेंस बता रहा है? ये तो डिस्टेंस नहीं बता रहा है, टू सेवन का ये डिस्टेंस तो फाइव आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर वन आ रहा है वैल्यू। तो ये हमेशा डिस्टेंस बताए, ये जरूरी नहीं होता है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल है मैट्रिक स्पेस का जो क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हम लोग समझने के लिए डिस्टेंस से दिखाएंगे और समझेंगे डिस्टेंस से, लेकिन ये डिस्टेंस ही हो ये जरूरी नहीं है। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, समझने के लिए हम लोग हमेशा यहाँ पर डिस्टेंस की ही चर्चा करेंगे, लेकिन मैट्रिक जो है वो सभी मैट्रिक डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करे ये जरूरी नहीं है। इसको डिस्टेंस फंक्शन जरूर कहते हैं, लेकिन ये दो पॉइंट का डिस्टेंस बताए ये जरूरी नहीं है। तो करना क्या है, जरा ध्यान देना, हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहां पर एक मैट्रिक स्पेस है x, उसका एक सबसेट ले रहे हैं a। अब इस मैट्रिक स्पेस का एक पॉइंट है p। अब इस सेट में कई मेंबर हो सकते हैं, कई पॉइंट हो सकते हैं, कई एलिमेंट हो सकते हैं, तो इस p पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे जितना भी नंबर है यहाँ पर उस सभी में से, और जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा, जो सबसे छोटा होगा, तो सबसे छोटा कहाँ से निकल सकता है, सपोज करो ये अभी डिस्टेंस निकालते हैं इस पॉइंट का, तो सभी का अलग अलग डिस्टेंस होगा। मान लो सबसे छोटा यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, मान लो इसमें 10 या 5 पॉइंट है, सपोज करो इस सेट में एक पॉइंट यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो सपोज करो ये 5 एलिमेंट है सेट ए में, तो सबसे स्मॉलर कौन सा है, ये वाला, ये डिस्टेंस सबसे स्मॉलर है। तो इसका यहाँ से इस सेट के प्रत्येक एलिमेंट से डिस्टेंस निकाल लेंगे, अलग अलग डिस्टेंस मिलेगा, तो अलग अलग डिस्टेंस में जो सबसे स्मॉलर होगा उसी को हम लोग कहेंगे इस पॉइंट का इस सेट से डिस्टेंस, और इसको लिखेंगे इस तरीके से डी ऑफ पी कॉमा ए, ये बताता है पी पॉइंट का ए सेट से डिस्टेंस। और कैसे डिफाइन किया गया है, करना क्या है कि सेट ए का प्रत्येक मेंबर से पी का डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालना है पी ऑफ एंड एक्स का, ये पी और एक्स का डिस्टेंस बता रहा है, और एक्स जो है वो सेट ए का प्रत्येक मेंबर है, तो प्रत्येक मेंबर से निकालना है। मान लो इसमें 5 मेंबर है, यहाँ से भी निकाल लो, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, तो सभी से डिस्टेंस निकाल लेंगे और उसका इन्फीमम लेंगे। इन्फीमम के बारे में भी बता रहे थे, इन्फीमम क्या होता है, सबसे छोटा वैल्यू, तो जितना भी डिस्टेंस निकलता है उसमें से जो इन्फीमम आएगा, तो इन्फीमम तो यही आएगा ना, मिनिमम तो यही आएगा, तो जो मिनिमम आएगा उसी को हम लोग कहेंगे इस पॉइंट का इस सेट से डिस्टेंस, क्या ठीक है। अब दो पॉइंट का डिस्टेंस निकालना रहता है, तो दो पॉइंट का डिस्टेंस निकालना रहता है, तो ये जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है यहाँ से ए से बी तक का जो न्यूनतम दूरी है, जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, उसी को हम लोग ए और बी का डिस्टेंस कहते हैं। अब इस सेट से डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट का,
कुछ विशेष नहीं है, इस सेट से डिस्टेंस निकालना है। तो इस सेट से अब कैसे डिस्टेंस निकालेंगे, इस सेट में तो कई एलिमेंट है, तो कई एलिमेंट है तो सभी पॉइंट से डिस्टेंस निकाल लेंगे, यहाँ से भी निकाल लेंगे, यहाँ से भी निकाल लेंगे, यहाँ से भी निकाल लेंगे, यहाँ से सभी पॉइंट से डिस्टेंस निकाल लेंगे, और जो सबसे कम होगा उसी को हम लोग कहेंगे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एंड सेट ए, और लिखेंगे इस तरीके से डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एंड सेट ए। क्या ठीक है ये? तो ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, फिर से एक बार डेफिनेशन को जरा देखोगे कि एक्स डी भी ये मैट्रिक स्पेस, एक्स डी जो है वो एक मैट्रिक स्पेस है, लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स, एक्स जो है वो एक मैट्रिक स्पेस हो गया, उसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट हम लोग मान रहे हैं ए, द डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट पी, पी जो है वो एक्स का मेंबर है, एंड ए, तो पी और ए का जो बीच का डिस्टेंस होगा उसको डिनोट करते हैं डी ऑफ पी एंड ए, एंड डिफाइंड बाय डी ऑफ पी एंड ए को डिफाइंड कैसे किया गया है, इनफीमम ऑफ डी ऑफ पी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या हुआ कि ए का प्रत्येक मेंबर से इसका डिस्टेंस निकाल लो, एक सेट बन जाएगा। मान लो जैसे यहाँ पर इस एग्जांपल में फाइव एलिमेंट है, तो अगर प्रत्येक पॉइंट से निकालेंगे तो पांच एलिमेंट का एक सेट बन जाएगा, और उसमें से जो इनफीमम आएगा उसी को हम लोग कहेंगे पी पॉइंट का इस सेट से डिस्टेंस। क्या क्लियर है? अब नेक्स्ट देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू सबसेट्स ऑफ ये मैट्रिक स्पेस। मैट्रिक स्पेस का दो सबसेट लेते हैं, उसके बीच का डिस्टेंस को कैसे डिफाइंड किया गया है। तो लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस एंड लेट ए एंड बी बी एनी टू नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स। हम लोग समझने के लिए यहाँ पर एक इस तरीके से सपोज करो ये एक मैट्रिक स्पेस है, या हम लोग मैट्रिक स्पेस को ऐसा बना देते हैं कि सपोज करो ये जो है वो एक मैट्रिक स्पेस है, और इसका हम लोग दो नॉन एम्प्टी सेट ले रहे हैं, एक ए ले रहे हैं और एक बी ले रहे हैं। अब ए में भी कई पॉइंट हो सकता है, मान लो ये सबसेट है एक्स का, तो इसमें कई एलिमेंट हो सकता है, मान लो एक एलिमेंट यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ। बी में भी कई एलिमेंट हो सकता है, एक्स यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, और ये कई एलिमेंट हो सकता है यहाँ पर ए और बी में। तो अब जरा ध्यान देना, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग यहाँ पर डिफाइंड करेंगे। एक्स मैट्रिक स्पेस है, इसका दो नॉन एम्प्टी सबसेट है, अब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो द डिस्टेंस बिटवीन द सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय डी ऑफ ए बी। ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आएगा उसको हम लोग कैसे डिनोट कर रहे हैं, डी ए बी से, और डिफाइंड कैसे करते हैं, डिफाइंड एज डी ऑफ ए बी इज इक्वल टू इनफीमम ऑफ डी ऑफ एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। क्या मीनिंग हुआ है जरा ध्यान देना, सेट ए का कोई भी एक एलिमेंट एक्स लेंगे, सेट बी का एक कोई भी एक एलिमेंट वाई लेंगे, उसके बीच का डिस्टेंस वैल्यू निकाल लेंगे, डिस्टेंस फंक्शन निकाल लेंगे, और इस डिस्टेंस फंक्शन जो निकलेगा, कई डिस्टेंस फंक्शन निकलेगा, तो उसका जो इनफीमम आएगा उसको हम लोग कहेंगे डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। जैसे यहाँ पर ए में कई एलिमेंट है, बी में कई एलिमेंट है, तो सबका डिस्टेंस निकालो, जैसे इस पॉइंट का डिस्टेंस इससे निकालो, इस पॉइंट का डिस्टेंस दूसरे से निकालो, इस पॉइंट का डिस्टेंस तीसरे से निकालो, इस पॉइंट का भी डिस्टेंस यहाँ से निकालो, सभी पेयर इसका एक एलिमेंट लेकर के, इसका एक एलिमेंट लेकर के जितना भी पेयर बनता है सभी का डिस्टेंस निकाल लेंगे, कई पेयर बनेगा। जैसे फिलहाल हम लोग यहाँ से ये बना रहे हैं, यहाँ से ये बना रहे हैं, यहाँ से ये बना सकते हैं, यहाँ से ये बना सकते हैं, यहाँ से ये बना सकते हैं, फिर इसका भी डिस्टेंस हम लोग सभी से लेंगे, फिर इसका भी डिस्टेंस सभी से लेंगे, फिर इसका भी सभी से डिस्टेंस लेंगे, फिर इसका भी सभी से डिस्टेंस लेंगे, इसमें जितना भी पॉइंट है सभी पॉइंट से हम लोग डिस्टेंस ले लेंगे, इसका भी सभी पॉइंट का और इसका भी सभी पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लेंगे। अब उसमें से जो इनफीमम होगा यानी कि जो स्मॉलेस्ट होगा उसी को हम लोग कहेंगे दो सेट का डिस्टेंस। तो यहाँ फिगर से अभी फिलहाल जो सामने एग्जांपल हम लिख रहे हैं उसमें से मिनिमम क्या होगा, इनफीमम क्या होगा, कई डिस्टेंस जो निकलेगा उसमें से इनफीमम ये वाला आएगा, इससे भी कोई स्मॉलेस्ट आएगा क्या? ये डिस्टेंस जो है, अब देखो इस पॉइंट का, इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है सबसे कम डिस्टेंस यही दिख रहा है, इसके बाद ये ज़्यादा हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा, ये भी ज़्यादा हो जाएगा, या इसका किसी भी डिस्टेंस से निकालेंगे तो इससे तो ग्रेटर ही होगा, इसका किसी से भी निकालेंगे तो इससे लार्जर ही आएगा, यहाँ से निकालेंगे तो भी लार्जर आएगा, तो स्मॉलेस्ट तो यही हुआ। तो ये जो डिस्टेंस आ रहा है इसी को हम लोग क्या कहेंगे, डी ऑफ सेट ए एंड बी। अब यहाँ पर भी ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, हम यहाँ डिस्टेंस ही दिखा रहे हैं लेकिन डिस्टेंस ही हो ये जरूरी नहीं है, डिस्टेंस फंक्शन का वैल्यू मिनिमम आना चाहिए। ये डिस्टेंस फंक्शन कहते हैं लेकिन ये डिस्टेंस नहीं बताता है,
मैट्रिक में कुछ एग्जाम्पल है जिसमें डिस्टेंस बताता है, लेकिन सभी एग्जाम्पल में ये डिस्टेंस नहीं बताता है। तो यहाँ पर समझने के लिए हम लोग ये डिस्टेंस की चर्चा कर रहे हैं। तो करना क्या है कि इस सेट का जितना भी एलिमेंट है उसका डिस्टेंस फंक्शन निकाल लेना है इस सेट के सभी एलिमेंट से, और उसमें से जो इन्फीमम आएगा उसी को हम लोग कहेंगे डिस्टेंस बिटवीन सेट ए एंड सेट बी। कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि डायमीटर ऑफ ये सबसेट ऑफ ये मैट्रिक स्पेस, मैट्रिक स्पेस के किसी भी सबसेट का डायमीटर क्या होता है। तो जैसे यहाँ पर समझोगे, सपोज करो ये एक मैट्रिक स्पेस है, मैट्रिक स्पेस तो एक सेट होता है और उस सेट में एक मैट्रिक डिफाइंड होता है। तो सपोज करो एक्स एक मैट्रिक स्पेस है जिसमें मैट्रिक डिफाइंड है डी। अब इसका एक हम लोग सबसेट ले लेते हैं, यहाँ पर एक्स मैट्रिक स्पेस का एक सबसेट ए ले लिए। अब जरा ध्यान देना, मान लो ए में कुछ पॉइंट है, कुछ एलिमेंट है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, और मान लो यहाँ पर है। सपोज करो ये सभी पॉइंट है, ये सभी एलिमेंट है सबसेट ए में। अब क्या करना है, इसका कोई भी दो पॉइंट लेना और उसके बीच का डिस्टेंस फंक्शन निकाल लेना है, कोई भी दो पॉइंट, और सभी डिस्टेंस फंक्शन का एक सेट बना देना है। जैसे मान लो यहाँ से इसका ये भी डिस्टेंस निकालेंगे, यहाँ से इसका भी डिस्टेंस निकालेंगे, यहाँ से ये डिस्टेंस निकालेंगे, यहाँ से ये डिस्टेंस निकालेंगे, और यहाँ से ये डिस्टेंस निकालेंगे, सभी डिस्टेंस निकालेंगे, और उस डिस्टेंस में से जो मैक्सिमम होगा उसी को हम लोग कहेंगे इसका डायमीटर, इसका जो भी मैक्सिमम वैल्यू आएगा। तो सभी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना, देखो क्या कैसे डिफाइंड किया गया है कि लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस एंड लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स। ये कोई भी मैट्रिक स्पेस है और उसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट ले रहे हैं। देन द डायमीटर ऑफ ए इज डिनोटेड बाय, डायमीटर को कैसे डिनोट करते हैं, इस सेट का अगर डायमीटर लिखना है तो डेल ए से या फिर डी ऑफ ए से भी डिनोट करते हैं। एंड डिफाइंड बाय, और डिफाइंड कैसे करते हैं, डेल ऑफ ए इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ डी ऑफ एक्स कॉमा वाई वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ए। अब सेट ए का जो भी मेंबर है सभी मेंबर का डिस्टेंस फंक्शन निकाल लेंगे, जितना भी मेंबर जितना भी पेयर बना सकते हैं सेट ए का उस सभी पेयर का हम लोग डिस्टेंस फंक्शन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सुप्रीमम कौन है, इस फिगर को देखने से क्या लग रहा है, ये जो डिस्टेंस निकाल रहे हैं ये स्मॉलर है इससे, सबसे बड़ा दिख रहा है यही, या ये डिस्टेंस निकालेंगे वो भी स्मॉलर होगा इससे, या ये डिस्टेंस निकालेंगे वो भी स्मॉलर होगा इससे, या ये डिस्टेंस निकालेंगे वो भी स्मॉलर होगा इससे। तो जितना भी पेयर बनता है सभी इसका हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे, उसमें से जो सुप्रीमम होगा, तो सुप्रीमम अभी दिख रहा है ये जो है वो सुप्रीमम दिख रहा है। तो यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट है, ये जो दोनों पॉइंट का जो डिस्टेंस आ रहा है डी ऑफ एक्स वन और वाई वन, अगर कर दें यहाँ पर एक्स वन और वाई वन, तो यही सुप्रीमम आ रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इस सेट का डायमीटर कहेंगे, यानी कि सेट ए में जितना भी पॉइंट है सभी पॉइंट का दो दो पॉइंट लेकर के उसका डिस्टेंस निकालते चले जाएंगे, उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा या जो सुप्रीमम मिलेगा उसका, उसी को हम लोग इस सेट का क्या कहेंगे, डायमीटर कहेंगे। कोई दिक्कत किसी को? तो ये हो गया डायमीटर, और डायमीटर को डिनोट कैसे करते हैं, डेल ऑफ ए से, या फिर कैसे डिनोट करते हैं, डी ऑफ ए से। अगर डेल ऑफ ए लेस देन कोई इन्फिनिटी है तब उस सेट का डायमीटर फाइनाइट नंबर कहेंगे, इन्फिनिटी से छोटा होना चाहिए। और अगर ऐसा आ जाए कि इसका जो डायमीटर है वो इन्फिनिटी आ जाए तो फिर हम लोग क्या कहेंगे उसको, इनफाइनाइट डायमीटर। जैसे एक एग्जाम्पल समझो, जरा ध्यान देना, हम लोग R में एक मैट्रिक डिफाइंड करते हैं, सेट R में d ऑफ x कॉमा वाई इक्वल टू मॉड x माइनस वाई, और R का एक हम लोग सेट बनाते हैं ये क्या है, इवन नंबर का सेट है, इवन नंबर का सेट है, इवन नेचुरल नंबर का सेट है। अब बताओ इसका डायमीटर क्या होगा, ध्यान देना, किसी भी दो, ये क्या बताता है, नंबर लाइन का पॉइंट का डिस्टेंस बता रहा है ना, ये रियल नंबर जो है वो नंबर लाइन पर कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, मान लो एक्स ले लेते हैं, यहाँ वाई ले लेते हैं, तो ये उसके बीच का डिस्टेंस बता रहा है। तो इवन अगर नंबर लेते हैं तो इवन नंबर में कौन कौन सा आता है, इवन नंबर हम लोग सिर्फ पॉजिटिव नंबर लेते हैं, पॉजिटिव इवन नंबर 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो अब ये जो डिस्टेंस निकलेगा 2, 4 का, तो डी 2, 4 इक्वल टू कितना आएगा, 2, डी 2, 6 इक्वल टू कितना आएगा, 4।
इस तरीके से ये मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या मिलेगा, ये तो इन्फिनिटी तक है तो इन्फिनिटी मिल जाएगा। तो ये जो सेट है ए वो उसका डायमीटर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट डायमीटर होगा। लेकिन अगर हम लोग इस सेट को ऐसा बनाएं 2, 4, 6, 8, 10 तक ही रखें, तब इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर इसका मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालोगे डिस्टेंस का, तो 2 से 4 का डिस्टेंस 2 आया, 2 से 6 का डिस्टेंस 4 है, 2 से 8 का डिस्टेंस 6 है, 2 से 10 का डिस्टेंस 8 है, फिर इसका डिस्टेंस 2 है, सभी का डिस्टेंस निकालोगे तो उसमें से मैक्सिमम डिस्टेंस यही निकल रहा है 2, 10। तो 2, 10 का डिस्टेंस कितना निकल रहा है 8, यानी कि इस सेट का डायमीटर जो है वो डेल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, सॉरी 8 आ जाएगा, इसका कितना डायमीटर हो जाएगा 8। तो इस सेट का डायमीटर 8 हो जाएगा। तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है सेट ए में, कई एलिमेंट हो सकता है उसमें, मैक्सिमम डिस्टेंस होता है उसके एलिमेंट का, तो वही डायमीटर कहलाता है। क्या क्लियर है? बाउंडेड एंड अनबाउंडेड मैट्रिक स्पेस अब देख रहे हैं कि ये गिवन मैट्रिक स्पेस XD, कोई भी एक मैट्रिक स्पेस XD है, इज सेट टू बी बाउंडेड इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर k ग्रेटर देन 0। एक पॉजिटिव नंबर मिलना चाहिए k, ऐसा मिलना चाहिए कि डी ऑफ एक्स वाई लेस देन और इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट एक्स। सेट एक्स का अगर कोई भी दो मेंबर अगर ले लेते हैं तो उसका जो डिस्टेंस फंक्शन आएगा ऑलवेज लेस देन इक्वल टू के होना चाहिए। अगर ऐसा आ जाता है तो इसको हम लोग कहेंगे बाउंडेड मैट्रिक स्पेस। जरा ध्यान देना, जैसे इस मैट्रिक की बात करते हैं, डिस्क्रीट मैट्रिक की बात, 1 इसका वैल्यू आता है जब x नॉट इक्वल टू y, 0 आता है जब x इक्वल टू y। अब बताओ ये मान लो किसी भी सेट में डिफाइंड हो रहा है, मान लो रियल नंबर में ही ये डिफाइंड हो रहा है। अब ये देखो कि किसी भी दो रियल नंबर का अगर हम लोग डिस्टेंस फंक्शन निकालें तो क्या ये हमेशा 1 या 1 से छोटा ही आएगा? किसी भी कोई भी दो रियल नंबर के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस फंक्शन निकालते हैं, इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। कभी भी 1 से बड़ा हो सकता है क्या? कभी भी 1 नहीं, इससे बड़ा नहीं होगा। जब भी वैल्यू होगा या तो 1 है या 0 है, दो ही वैल्यू है, तो कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू के, के की जगह क्या है 1, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट आर, मान लो आर में डिफाइंड है। तो अगर ऐसा हो जाए तो इस मैट्रिक को क्या कहेंगे, बाउंडेड मैट्रिक। इस मैट्रिक को क्या कहेंगे, बाउंडेड मैट्रिक कहेंगे, बाउंडेड मैट्रिक स्पेस। जरा ध्यान देना, वही लिखे हुए हैं कि डी ऑफ एक्स वाई ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, जहां के कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। तो किसी भी पॉजिटिव नंबर से हमेशा उसका वैल्यू, डिस्टेंस फंक्शन का वैल्यू हमेशा स्मॉलर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, देन दिस मैट्रिक स्पेस इज कॉल्ड बाउंडेड मैट्रिक स्पेस। यानी इसका डायमीटर जो है वो के या के से स्मॉलर हो। बताओ इस मैट्रिक स्पेस का डायमीटर क्या होगा? अगर इस पूरे मैट्रिक स्पेस की बात करें, मैट्रिक मतलब कोई भी, अगर हम लोग यहाँ पर मैट्रिक स्पेस की बात नहीं कर रहे, कोई भी यहाँ पर सबसेट बना रहे हैं, ये जो है वो कोई भी मैट्रिक स्पेस का सबसेट है, तो कोई भी अगर सबसेट बनाएंगे तो उसका डायमीटर तो के से स्मॉलर ही होगा, कभी भी के से बड़ा नहीं होगा। तो ऐसे मैट्रिक स्पेस को हम लोग कहते हैं बाउंडेड। लेकिन अगर इसी R में हम लोग अगर ऐसा डिफाइंड करें कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वाई, तो क्या किसी भी दो रियल नंबर का वैल्यू किसी के से स्मॉलर आएगा क्या? ये तो इन्फिनिटी भी आ सकता है, वेरी लार्ज भी हो सकता है, तो वेरी लार्ज भी हो सकता है, तो ये जो है वो बाउंडेड नहीं है। और ये जो है वो डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस क्या हो गया, बाउंडेड। तो डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस एक बाउंडेड का एग्जांपल हो गया, एग्जांपल में लिख भी सकते हो। और अगर कोई बाउंडेड मैट्रिक स्पेस नहीं है, ये मैट्रिक स्पेस विच इज नॉट बाउंडेड इज सेट टू बी अनबाउंडेड, तो इसको हम लोग कहेंगे अनबाउंडेड। इस एग्जाम्पल को देखो तो, और ये क्या हो जाएगा, डिस्क्रीट जो है वो बाउंडेड हो गया। क्या क्लियर है? तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस यहीं तक। मैं नेक्स्ट वीडियो में ओपन स्फीयर, क्लोज्ड स्फीयर के बारे में बताऊंगा, उससे रिलेटेड और भी कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, अगर कोई डाउट है तो आप उसको लिखें, मैं कोशिश करूँगा उसका आंसर देने का। यदि वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।